हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल अंकुश शर्मा में। और आज है गाइस हमारे पास वन ऑफ दी ओल्डेस्ट प्लेयर ऋतिक राज सिंह। और ना ये सिर्फ वन ऑफ दी ओल्डेस्ट प्लेयर है, वन ऑफ दी ओल्डेस्ट यूट्यूबर भी है। और आज हम करने वाले हैं ऋतिक भाई के साथ कलेक्शन वर्सेस। तो ऋतिक भाई, क्या ख्याल है, कैसे हो? हारो अरे रे रे सर हार गए हो, हार मान लो पहले। ओए 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 तो ऋतिक भाई, अब 10-10 बंडल मैं आपको दिखाऊंगा, 10 बंडल आप मेरे को दिखाओगे, ठीक है? जिसके पास दूसरे बंदे के बंडल नहीं होंगे वो जीत जाएगा। हर बंडल का एक पॉइंट है, ठीक है? चलो, तो पहले आप स्टार्ट कर रहे हो? नहीं, पहले आप दिखाओ सर। ओके ओके, चलो 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 भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो मैं पहला बंडल दिखाता हूँ ऋतिक भाई आपको। ये मेरे ख्याल से आपके पास ये वाला, चेक करो। चलो, डेविल हंटर बंडल। ओके, अरे रे रे रे, तो चलो गाइस फाइनली मेरे को एक पॉइंट मिल गया। वाओ, ओपी टाइगर भी स्टार्टिंग करना पड़ा। चलो ऋतिक भाई, अरे बाप रे, चलो अभी मैं दिखाओ। हाँ ओके सर, मैं दिखा रहा शायद ये हो सकता है आपके पास। ओके, ये लो, मैं टाइमर भी स्टार्ट कर दिया। अरे नहीं 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 है, नहीं है, ये नहीं है। तो 1-1 गाइस हो गया। और यहाँ पर टाइमर भी है, 30 सेकंड के अंदर हमको बंडल ढूंढना है वरना हम हार जाएंगे। और ओके ओके, और ऋतिक भाई एक और चीज, सिर्फ गोल्डन बैकग्राउंड और वो पिंक बैकग्राउंड वाले बंडल यूज कर सकते हैं, समझ रहे हो ना? जिनके जिनके नीचे वो लाइनें होती है ना, गोल्डन और पिंक, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? चलो चलो, मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट बंडल। ये वाला मेरे ख्याल से आपके पास हो सकता है, लेकिन फिर भी रिस्क लेना चाहिए। चलो ये दिखाओ ऋतिक भाई। ओके, टाइमर स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, स्टार्ट हो गया। कैसे? दही है। अरे अरे, यस, 2 पॉइंट। चलो अभी आपको बहुत टाइम बचा है, देख सकते हो आप। नहीं 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 है मेरे पास, नहीं है। ओके ओके, मास्क वाला मिल जाना चाहिए था मेरे को, मास्क नहीं है। ओपी, चलो अब मेरे 2 पॉइंट हो गए हैं, आपका एक है, अब आपकी बारी। तो अब क्या लगता है गाइस, पॉइंट टू किल बचाने वाला है? चलो मैंने टाइमर स्टार्ट कर दिया। अरे रे, चलो चलो टाइमर स्टार्ट कर दिया, रुको। ये मेरे ख्याल से मिल जाएगा मेरे पास, मेरे पास, मेरे पास। आजा 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 आजा, टॉपी टॉपी, आजा टॉपी का यार, ये टॉपी। ओहो, टाइमर की वजह से रात हो गया। ये तो लाइट पास वाला है ना? 10 9। ओहो, अरे रे रे रे, 5 4 3 2 1। चलो चलो, कितना स्कोर क्या, 2-2 चल रहा है ना? हाँ, 2-2। ओके चलो गाइस, मेरी बारी है। अब ऐसा बंडल दिखाएंगे ऋतिक भाई के पास, 3-2 कर देंगे स्कोर को। तो ऋतिक भाई, अगला बंडल आपके सामने पेस है, ओपी। अरे यार, नहीं है, यस, ओपी, 3-2। ओ भाई ऋतिक भाई, ये क्या है भाई, ये तो मैं देखा ही नहीं यार। ये अरे ये उसका है ना, इलाइट आपके आपके पास इलाइट पास के सारे बंडल है। मैं वैसे ही आ जाऊंगा ऋतिक भाई, 10-10 तो होने वाला आपका। अरे यार मेरे पास नहीं है यार, ये नहीं है, ये नहीं है। चलो हार गया, 3-3। चलो चलो, अब मैं दिखाता हूँ ये। चलो ये आपके पास हो सकता है वैसे तो, लेकिन ये बंडल मैजिक क्यूब का है। चलो ये वाला दिखाओ, टॉप गेमर। टाइमर स्टार्ट, टॉप नाउ। यस गाइस, ऋतिक भाई के पास हो भी तो टाइमर की वजह से जीत जाऊं मैं। चलो ऋतिक भाई, 20 सेकंड। नहीं, 15 सेकंड। कहाँ गया यार? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यस यस, फाइनली गाइस, फाइनली हमने लीड बना ली है, 4-3। ओपी, लेकिन गाइस अभी भी लीड बनी है ऋतिक भाई। अगर अभी भी ऐसा बंडल लेके आएंगे जो मेरे पास नहीं होगा, तो ऋतिक भाई बराबरी कर लेंगे।
ऋतिक भाई आपकी बारी। ओके पुराने बंडल से शुरू करनी पड़ेगी। ये लो। ओहो ये मेरे ख्याल से मेरे पास होगा। ये देखता हूँ टाइमर स्टार्ट कर दो। ओके ये पिंक में है या येलो में है? मेरे को मिलेगा नहीं लेकिन होगा मेरे पास। ये शायद किसी इवेंट के अंदर भी आया था। अरे भाई नहीं मिलेगा। पता नहीं, जहां तक मैं जानता हूँ ये बहुत पुराना और रेयर बंडल है। ओहो नहीं है, ये मेरे पास नहीं है ऋतिक भाई। चलो no. फिर हो गया 4-4 हो गया। सेट मैन गाइस, मतलब लीड नहीं लेने दे। चलो चलो चलो। हाँ ये इनक्यूबेटर का बंडल है ऋतिक भाई, ये दिखाओ आप। चलो ओके टाइम स्टार्ट करो मैं। ओके टाइम स्टार्ट हो गया। रुको रुको, हाँ स्टार्ट हो गया। मेरे पास यही है लेकिन सस्ता वाला है। नहीं सस्ता नहीं चलेगा। 5-4 सेम चाहिए हमको। चलो आपकी बारी गाइस, एक बंडल तो दिखाओ ऋतिक भाई, तो मेरे पास ना हो टाई ना हो जाए मैं 10-10 से। आपकी हम दोनों की कलेक्शन अभी तक ओपी चल रहे हैं ऋतिक भाई। कुछ कहा नहीं जा सकता अभी। ओहो लास्ट के में मेरे को लाइट ही बचा। अरे भाई ऋतिक भाई, लाइट का क्यों ला रहे हो? लाइट गरीब आदमी लाइट पास नहीं लेते उस टाइम पे। मैं हार गया 5-5 हो गया। ओके चलो। मेरे ख्याल से आपको इनक्यूबेटर के बंडल से हराया जा सकता है। मेरे को जहां तक मेरा एक्सपीरियंस, इलाइट के बंडल लूंगा तो आप तो जीत ही जाओ। ये लेके आओ ऋतिक भाई। चलो टाइम आपका स्टार्ट होता है अब। चलो ये वाला बंडल है मेरे पास। नहीं 20 सेकंड बचे हैं। 20 सेकंड टाइमर जिता दे मेरे को। टाइमर जिता दे मेरे को। टाइमर प्लीज। 10 सेकंड बचे रहती भाई। 10 9 ये क्या? अरे बाप रे। फिर से क्या उसको 6 हो गए ना रितिक भाई? 6-5 हां 6-5 ओके गलत सीन है। चलो ऋतिक भाई की सेकंड टाइम है गए, वो 6-6 कर सकते हैं। चलो अब ऋतिक भाई की बारी। चलो मैं भी आपको इस बार ये देता हूँ डायमंड, वो मतलब इंक्यूबेटर का। दो साइड में जीत। ओ यार ये नहीं जीत पाऊंगा, ये नहीं जीत पाऊंगा। रुको मैं चेक कर लेता हूँ, टाइमर स्टार्ट कर दो। बनी चलेगा? ये चलेगा क्या? नहीं ये सेम टू सेम है ऋतिक भाई, कलर भी सेम है, देखो चल जाएगा। नहीं चलेगा। मेरे पाँव दिख रहे हैं, मेरे पाँव दिख रहे हैं। 4 सेकंड 20 सेकंड। चलो 6-6 हो गया। चलो मेरी बारी। अब मैं थोड़ा गए ऋतिक भाई, मेरे पास बंडल थोड़े खत्म से हो गए हैं, तो अब मैं सोच रहा हूँ आपको, मेरे पास एक जोकर बंडल था, जोकर बंडल नए वाला, नए इनक्यूबेटर का, वो ढूंढना पड़ेगा।